हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स इन्फो। यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नई जानकारी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 माह 9 दिन में परिणाम जारी कर बनाया रिकॉर्ड। इसी वर्ष एक और कीर्तिमान बनाने की तैयारी में यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 8 दिन 9 माह में जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और अब पीसीएस 2024 का परिणाम इसी वर्ष जारी करने की तैयारी है, ताकि एक ही साल में दो परीक्षाओं का परिणाम जारी कर एक और कीर्तिमान स्थापित किया जा सके। यूपीपीएससी ने इससे पूर्व इतने कम समय में पीसीएस परीक्षा का परिणाम कभी जारी नहीं किया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने पिछले दिनों आयोग में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य सचिव को बताया था कि आयोग में इस बार 9 माह के भीतर पीसीएस का परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, और आयोग के यह लक्ष्य पूरा भी कर लिया है। इसके साथ ही पीसीएस 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित है। अगर पीसीएस 2023 की इसी पीसीएस 2024 का चयन परीक्षा भी 9 माह के भीतर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो इसी परीक्षा का भी चयन परिणाम 17 दिसंबर 2024 से पहले जा जाएगा। ऐसे में आयोग एक ही वर्ष में दो पीसीएस परीक्षाओं का परिणाम जारी कर देगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। जानकारों का मानना है कि पीसीएस मेंस में वैकल्पिक विषय हटाए जाने का कारण अब कॉपियों के मूल्यांकन में स्केलिंग की जरूरत नहीं रह गई है, और स्केलिंग की जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में काफी वक्त लगता था। परिणाम जल्द जारी होने के पीछे एक वजह यह भी है। 6.5 माह में आया था पीसीएस जे का परिणाम। इससे पूर्व यूपीपीएससी ने पीसीएस जे परीक्षा 2022 का चयन परिणाम महज 6.5 माह में जारी कर दिया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को हुई थी और अंतिम परिणाम 30 अगस्त 2023 को आया था। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।